हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी कुरकुरा स्नैक्स। तो इसे आप नवरात्रों में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसे शाम के टाइम पे या सुबह के नाश्ता में भी ले सकते हैं। ये हेल्दी के साथ साथ स्नैक्स भी है। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेज और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये देखिए, हम 100 ग्राम सावा को चावल को आधा घंटा पहले भिगो दिए हैं। इसमें 2 छोटे चम्मच पानी डाल के और पीस लिए हैं, यानी कि हम छान के चावल को अच्छा से एक ठीक सा बैटर बना के रेडी किए हैं। देख सकते हैं, सावा का जो चावल है वो गीला नहीं होना चाहिए। और एक हम बाउल में डाल ले रहे हैं। तो इसका हम बहुत ही कुरकुरा स्नैक्स बनाएंगे और इतना आसान है इसे बनाना कि आप रोजाना बना सकते हैं। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उतना हरा मिर्च डाल लें और स्वाद अनुसार व्रत वाला नमक। और यहीं पे हम डालेंगे 2 आलू को कद्दूकस करके। तो 2 आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक, कोई लम्स ना रहे। और हम काली मिर्च दरदरा कूट के डाल ले रहे हैं कि बहुत ही स्पाइसी आएगा हमारा कुरकुरा स्नैक्स में। तो ये आलू और सावा का चावल से बन रहा तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगेगा खाने में। तो हरा धनिया डाल के ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरह से आपका जो मिश्रण है, चावल का आटा, जो सावा का चावल और आलू, बढ़िया से मिक्स होकर रेडी हो जाएगा। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें या घी लगा लें, जो भी आप व्रत में खाते हो। तो मैं घी लगाई हूँ और इसे लंबा लंबा स्नैक्स की तरह हम बना बना के, और एक तवा पे हम घी डाल लिए हैं 2 छोटे चम्मच, देख सकते हैं आप। और गर्म हो गया है हमारा तवा, तो हम लंबा लंबा स्नैक्स को बना के डालते जाएंगे और इसे अच्छा से थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से हिला देंगे कि बढ़िया से ये सिक जाए। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं लेकिन यहाँ पे सेलो फ्राई की हूँ हेल्दी बनाने के लिए। तो इसे एक साइड से पक जाए तो हम दूसरे साइड अच्छे से टर्न कर देंगे। देखिए, तो सावधानी से इसे पलट ले एक एक करके और दूसरे साइड भी अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने दें। तो ये चावल का आटा है और इसमें आलू है, तो ये बहुत ही करारा और कुरकुरा लगता है खाने में। तो आप इसे शाम के नाश्ते में या सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो इस नवरात्रि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, तो इसे जरूर ट्राई करें। ये नया रेसिपी भी है और आपको मजा आ जाएगा इसे खा के। तो देखिए, बढ़िया से सीखने के बाद में हम एक प्लेट में सर्व कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना लजीज और कितना कुरकुरा हमारा नाश्ता दिख रहा है। तो ये चावल का आटा है, आलू है, तो इससे खाना बेहद पसंद आता है, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो देखिए, मैं इसे मूंगफली की चटनी के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, तैयार है हमारा रेसिपी। तो वीडियो पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर क्लिक करें। और पसंद आ रहा तो दूसरे को साथ भी शेयर करें। तो हम मिलते हैं एक नए रेसिपी में। जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें।